चश्मा, चश्मा कहाँ गया? चश्मा, हाय अघनश्याम, गिर जा। इस घर में कभी कोई चीज जगह पे नहीं मिलेगी। हाँ मिला, मिला। ए घनश्याम के बच्चे। हाँ मालिक, अभी आया। इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, कहाँ मर गए थे? आ ही रहा था साहब। आ ही रहा था तो ऐसे कह रहे हो जैसे अमेरिका से आ रहे थे। अमेरिका से तो मेरे छोटे सरकार आ रहे हैं। मेरे बेटे के आने की खबर मुझे दे रहे हो? मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा कहाँ है? निकल! आपके नाक पे है साहब। गाड़ी तैयार है? वही देखने जा रहा था, आपने बुला लिया। बकवास बंद कर, अपने बाप से कह गाड़ी निकाले। हाँ टाइम हो गया। हाँ साहब चल। गिरजा आ रही हूँ। गिरजा चल चल, टाइम हो गया, टाइम हो गया, चलो चल चल। क्या देख रही? 30 साल से मुझे देख रही हो, अभी तक देखने का शौक पूरा नहीं हुआ लगता है। ऐसे जाओगे एयरपोर्ट? अरे क्यों नहीं, मैं मैं पागल हो गया हूँ। गुप्ता जी, ओ गुप्ता जी, अरे भाई अभी तक तैयार नहीं हुए, प्लेन के आने का वक्त हो गया है। आइए भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसी बेटे मधु? बिल्कुल ठीक। गुप्ता जी कहाँ है? देखिए ना भाई साहब, बेटे के लौटने की खुशी में पागल हुए जा रहे हैं, पैंट पहने बिना ही एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए। क्यों भाई, ये तुम्हारे आने का वक्त है क्या? फ्लाइट अब तक पहुंच चुकी होगी। ये अपनी बहू से पूछो, सारे शहर में फूल ढूंढते फिर रही थी इसलिए देर हुई। क्यों बेटी, फूल तो बाद में भी आ सकते हैं, प्लेन अगर पहुंच गया हो तो क्या हुआ? आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा है कि उसे उंगली पकड़ के लाना है? लो इसकी सुनो, बेटी अभी जनार्दन के लिए तेरा ये रुख है तो शादी के बाद क्या होगा? जब देखो इसमें बुराइयां ढूंढते रहते हो, ये भी कोई बात है भला? लगता है इस घर में सास बहू से ज्यादा ससुर बहू के झगड़े हुआ करेंगे। झगड़े कैसे होंगे, झगड़े कैसे होंगे? इन दोनों की शादी के बाद मैं सारा कारोबार जनार्दन को सौंप कर वर्ल्ड टूर पर चला जाऊंगा। क्यों भाई गुप्ता जी, अब गद्दारी पर उतर आए हो? बचपन से तुम हम एक दूसरे के दोस्त हैं, बिजनेस में शुरू से लेके आज तक पार्टनर हैं। मुझे अकेला छोड़कर अकेले वर्ल्ड टूर पे चले जाओगे? ठीक है, आप लोग दोनों वर्ल्ड टूर पे जाइए, आंटी और मैं एयरपोर्ट जा रही हूं। चलिए आंटी। चलो एयरपोर्ट। चलो चलो, श्रीवास्तव तुम बातें बहुत करते हो। जनार्दन के आते ही वर्ल्ड टूर चलने का इंतजाम। चलेंगे चलेंगे, बेटे को तो आने दो। देखो देखो मधु कैसी चमक रही है, मंगेतर आ रहा है ना? जनार्दन अकेले आ रहा है क्या, किसी अमेरिकन गर्लफ्रेंड को साथ ला रहा है? देखो अमेरिका अकेले जा रहे हो ना, अकेले ही वापस लौटना। अगर कुछ गड़बड़ की तो देखना मैं क्या करूंगी। कैसी बातें करती हो डाली, इधर किसी दूसरे के लिए जगह कहाँ है, सारी जगह तो तुम घेरे बैठी हो। कहाँ खो गई? घबराओ मत, जनार्दन अकेले ही आएगा। वो देखो प्लेन आ गया। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भगवान। बेटा तो स्वामी के भेष में आ रहा है। धीरे बोलो, कस्टम्स वालों को धोखा देने के लिए भेष बदला होगा। अच्छा, वेलकम मिस्टर जनार्दन, वेलकम। हरे हरे, खुश आमदीद। वेलकम होम। हरे ना 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 ना, फूल मनुष्य के लिए नहीं भगवान के लिए होते हैं। हाथ बढ़ाइए भक्त लोग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये क्या है बेटे? अमेरिकन राख। ओ, सब लोग भक्ति भाव से इसे अपने अपने माथे पर लगाएं। प्रस्थान करें। हरे कृष्ण। और भेजो पढ़ाई के लिए अमेरिका। मैं तो पहले कहती थी अमेरिका टमरीका मत भेजो। सुनो इनकी, सारा दोष अमेरिका का निकल आया। अरे अमेरिका तो मैं भी गया था, क्या मैं सन्यासी बनकर लौटा?
अरे उसकी ये उम्र है लड़कियों के नाम रटने की, वो उल्लू ऊपर बैठा हरे कृष्ण हरे राम रट रहा है। आप फिक्र मत कीजिए अंकल जी, ऐसे बहुत से स्वामी देखे हैं मैंने, 3 दिन में आदमी बना दूंगी महाशय को। बेटी अब तू उसे संभाल, नहीं तो हमारा बेटा हाथ से निकल जाएगा। हरे राम हरे कृष्ण। अरे ये भी स्वामी बन गया। अब एक घनश्याम के बच्चे ये क्या भैरूप है, तेरी मौत लिखी है मेरे हाथों से। लिखने वाला वो है, लिखने वाला कौन है? मैं बताता हूँ तुझे साले। हम जा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे राम। उठिए 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 उठिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप सबको विरा देने के लिए कह रहे हैं। साला संस्कृत बोल रहा है। जनार्दन बेटे। बोलो बच्चा। परमात्मा के निकट जाकर लोग बाप को बच्चा बोलते हैं क्या? चिल्लाते क्यों हो जी? नहीं तो क्या? चल से ये नाटक देख रहा हूँ। I can't stand it anymore. Calm down, child. स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई। क्या बालिके? आप अमेरिका गए थे तो सूट वूट में, मगर लौटे इस गिरवा ड्रेस वस्त्र में, ऐसा क्यों स्वामी जी? आई एम सो सॉरी। हरे कृष्ण आपने मेरे प्रश्न का क्या कहते हैं उत्तर नहीं दिया। जिस परमात्मा को, जिस आध्यात्मिक ज्ञान को हमारे देशवासी भूल गए हैं, वहां उसकी पूजा हो रही है, वो देखकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने निर्णय लिया कि आत्मा को परमात्मा के निकट रहना चाहिए। ये रंग शांति और मोक्ष का रंग है बालिके। मैं नहीं मानती कि परमात्मा के निकट रहने के लिए ये वस्त्र ये वेशभूषा आवश्यक है, इसके लिए और भी रास्ते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। ओ, आपके इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपको अपने स्वामी जी के पास ले जाना चाहती हूँ, चलेंगे? अवश्य। काम के बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मैं साबित कर सकता हूँ। मोक्ष तक क्यों जाते हो बेटा? यहाँ इतनी नव युवतियां हैं, इनके बीच में रहकर तुम अपने मन को स्थिर रख सकते हो, तुम में कोई विकार पैदा नहीं होगा। मुझ में कोई विकार पैदा नहीं होगा, मैं अपने मन को स्थिर रख सकता हूं। तो इसकी परीक्षा हो जाए। कम ऑन गर्ल्स। भज गोपालम गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज गोपालम
राम राम। अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो ये हम सबको गिरवे वस्त्र पहना देगा। वो आ रहा है। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। स्वामी जी बोलो बच्चा। प्रार्थना ये है स्वामी जी कि आप चाहे बसंती चोला पहने अथवा गेरुआ, परंतु मेरे इकलौते बेटे होने के नाते अपने इस बूढ़े बाप का हाथ बटाने के लिए ऑफिस भी जाना शुरू करें। सन्यासी मोह माया से विरक्त होता है बच्चा, हमारा काम केवल भगवान का स्मरण है। इनको काम करने की क्या जरूरत है अंकल जी, बगैर हाथ पैर हिलाए बढ़िया से बढ़िया खाना मिल जाता है, इधर उधर जाने के लिए कार मिल जाती है, सोने के लिए एयर कंडीशन कमरा मिल जाता है। इनकी तो वही मिसाल हुई, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, और ये तो 24 घंटे हरे राम हरे कृष्णा बोलते रहते हैं। लेकिन बेटी इनके कृष्ण भगवान ने तो गीता में कहा है कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन उनका ये भक्त तो निठल्ला बैठा हुआ है। बेटे तो माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी माना जाता है बेटा, लेकिन तू तो धूनी रमा के बैठ गया, तूने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया बेटे। रो मत देवी रो मत। हरे कृष्णा आप लोगों ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, आप सबका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। ठीक है मैं ऑफिस चलने के लिए तैयार हूँ। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। ये है आपका कार्यालय, आसन ग्रहण कीजिए। हरे आप हैं मिस्टर जानकी प्रसाद यहाँ के मैनेजर, आपको सारा कामकाज ये समझा देंगे। ब्रिजमोहन अब हम चलते हैं, स्वामी जी को कार्य संभालने दो, आओ हम चलते हैं। हरे कृष्ण। मैनेजर महाशय। जी सर। ऑफिस के खर्चे पर सब कर्मचारियों के लिए गेरुआ वस्त्र बनवाइए। क्या? जी कल से सब गेरुआ वस्त्र पहनकर आएंगे जी, और ऑफिस का कार्य शुरू होने से पहले सब प्रार्थना करेंगे। जो आ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे अंगाने में तुम्हारा क्या काम हुआ? अरे अभी तक तुम यही हो?
चिंता मत करो दीदी, तुम स्वामी जी को लेके आओ, स्वागत है पूरा बंदोबस्त है। ये बात है, ये लो, चल बात जल्दी। क्या हुआ बालिके? लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ है। अरे एक अभी देखती हूँ। गड़बड़ ठीक हुई है बालिके? इस कार ने भी आपकी तरह सन्यास ले लिया है स्वामी जी। हरे कृष्ण हम जाके भगवान के दर्शन करके आते हैं, इतने में तुम इसके इंजन को ठीक कर लो बालिके। हरे कृष्ण कार के इंजन को तो क्या, मैं तुम्हारे दिमाग को भी ठीक कर दूंगी स्वामी जी। मैं जो कुछ बताया है ना, सब ठीक से करना। अरे छोटू, पहले तू रोता हो जा, रो रो रो, शाबाश। हाँ रो। रो क्यों रहा है बालक, चुप हो जा, चॉकलेट चाहिए? रोते नहीं बालक, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। चल मत मचाओ, तुम लोगों को भी चॉकलेट दिलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो देखो स्वामी बच्चे को उठा के ले जा रहा है। चलो बालिके, बालिके जल्दी से वाहन चला, जल्दी से चलाओ। तुम लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लो 300 रुपए, सब आपस में बांट लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ चलो चलो। और लो सन्यास, बनो साधु। घर गए होते तो लोग आज मुझे स्वर्गीय स्वामी जनार्दन का स्वर्गीय पिता कह रहे होते, चले हैं साधु बनने। अंकल ठीक कह रहे हैं, कम से कम ये दाढ़ी मुंडवा डालो। क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्म विष्णु महेश, इनमें से कोई दाढ़ी वाले हैं? तो क्या बच्चा? फिर तूने मुझे बच्चा कहा? अरे इसके बच्चा कहने से क्या तुम बच्चे हो गए? इन्हें बोलने दीजिए ना अंकल, कहिए। मैं तो केवल ये कहना चाहता था कि मैं भगवान नहीं भक्त हूँ। विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ इन मुनियों में से कौन क्लीन शेवन था बालिके? मेरे स्नान का समय हो गया, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बेटी मैं अभी हिम्मत नहीं हारी हूँ अंकल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पानी, माता गंगे कहाँ गई तू? कहाँ गई तू? घनश्याम बालक, घनश्याम बालक, घनश्याम ये क्या हुआ? घनश्याम, घनश्याम, अबे घनश्याम के बच्चे कहाँ मर गया? अबे घनश्याम क्या हुआ स्वामी जी? पानी बंद हो गया। ओ अभी लाती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी,
पानी ले आई हूँ मैं, नहला दूँ आपको? मैं नहा लूंगा, तुम बाहर जाओ। अरे रे रे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बैठे बैठे मैं नहला देती हूँ आपको। बाहर जाओ प्लीज। क्यों, शर्म लगती है आपको? शर्म? हम पूर्ण सन्यासी हैं, हमें शर्म कैसी? ओ बैठे बैठे। हाँ बैठे हैं बैठे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। क्यों स्वामी जी, मेरा हाथ लगते ही कांपने क्यों लगे? हाँ मैं कहाँ कांप रहा हूँ, जल ठंडा है ना। पानी आ गया पानी आ गया पानी आ गया। अरे आ गई माता, धन्य धन्य हो धन्य हो। छोड़ो अब तुम जाओ, मैं नहा लूंगा। अच्छा तो बाथरूम में बुलाने के बहाने तुमने ही पानी बंद किया होगा? मैंने? अरे तुम जाओ, तुम बाहर जाओ। ठीक है। हरे राम का नाम लो, हरे राम का।
क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? अंकल जी पानी के बहाने इन्होंने मुझे बाथरूम के अंदर बुलाकर अरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा हरे रामा 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 कृष्णा कृष्णा रामा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे अब हरे कृष्ण मत बोल अब हरे मधु बोल हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण ये लजर अभी समर्थ है ना यस सर ये फातिमा भी कौन है जिन्हें हर महीने यहाँ से 500 रुपए भेजे जाते हैं मैं नहीं जानता बगैर जाने हुए आप उन्हें ये रुपए भेजते हैं जी आपके पिताजी के हुक्म से पिछले 24 सालों से ये रुपए उन्हें भेजे जा रहे हैं 24 साल से उन दोनों का क्या संबंध है बेहतर यही है सर कि इस मामले में खुद आप उनसे बात कर लें ठीक है आप जाइए हरे कृष्ण फातिमा बी नंबर 25 बेलनगंज रायगढ़ फातिमा बहन आइए आइए बदर भाई आइए आइए बैठिए या अल्लाह जिस काम से गए थे उसका क्या हुआ ये काम मुझसे नहीं होगा बहन लगता है तुम्हारे भतीजे की शादी इस जन्म में नहीं होगी क्यों क्या बताऊं बहन जहां भी मैं रिश्ते की बात लेके जाता हूं सब यही कहते हैं कि वो उस पियक्कड़ आवारा को अपनी लड़की नहीं देंगे ऊपर से ये भी पूछते हैं उस लड़के के माँ बाप कौन है तब तो ये शादी भी नहीं होगी फातिमा बहन क्या जाने की पैदाइश के पीछे कोई राज है आपने आज तक मुझे भी कुछ नहीं बताया कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जाने हराम की औलाद है कौन है वो शरीफ जादे जो मेरे जानी को हराम की औलाद कहते हैं जानी एक बहुत ऊंचे खानदान का बेटा है ये देखिए देखिए इस फोटो को ये है मेरे जानी के बाप जॉन एमएन जॉन साहब 25 साल पहले एक नामी पुलिस अफसर थे उनके नाम से गुंडे और बदमाश थर थर कांपते थे लेकिन बजाते खुद वो बहुत ही नेक इंसान थे शरील 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 मैं यहां हूं शरील ऐसे क्या देख रहे हो Beautiful. बस बस मैं साड़ी पहन के आती हूँ नहीं 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 वो गजब ना करना मुझे तो ये टावर भी खटका क्या कर रहे हो वैसे ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही तुम्हें तो सब कुछ अच्छा लगता है यही तो तुम्हारी खासियत है ये मेरी नहीं तुम्हारे प्यार की खासियत है कुछ औरतें सिर्फ रात में खूबसूरत दिखाई देती हैं लेकिन तुम तो दिन में भी हूर दिखाई देती हो अच्छा छोड़ो ना तुम्हें तो हर वक्त कोई ना कोई शरारत सूझती है क्या कर रहे हो मैं अभी अभी नहा के आई हूँ तो क्या हुआ फिर से नहा लेना मैं भी तुम्हारे साथ नहा लूंगा तुम्हें शर्म नहीं आती शर्म का है कि ये लो नहीं 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 बस एक और प्लीज बस करो डार्लिंग अब नहीं चाहिए नहीं कैसे चाहिए जब से यहाँ आए हैं 24 घंटे बस काम काम काम
खाना पीना सब भूल गए हैं, इस तरह तो सेहत खराब हो जाएगी साहब। क्या साहब, तुमसे कितनी बार कहा है फातिमा भी कि मुझे साहब मत कहा करो, लेकिन तुम मानती ही नहीं। हम लोगों में आपस में और कोई रिश्ता नहीं है क्या? तुम मुझे भैया नहीं कह सकती? देखो दीदी, हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है, तो हम लोगों में ये दूरी किस लिए? क्या तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं है? कैसी बातें करती हो, प्यार क्या, तुम मांगो तो जान भी हाजिर है। दीदी, मैंने तो तुम दोनों को हमेशा दिलो जान से अपना माना है, लेकिन भैया का लफ्ज जुबान पर लाने की जरूरत ना कर सकी। आखिर मैं इस घर की नौकरानी हूं ना। फातिमा बहन, दोबारा ये लफ्ज जुबान पर ना लाना, वादा करो आज के बाद तुम मुझे सिर्फ भैया कहकर बुलाओगी। हाँ भैया, ऐसे ही बुलाऊंगी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे तुम जैसे फरिश्तों का प्यार मिला। अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुम दोनों को लग जाए, तुम दोनों की जोड़ी 100 बरस तक सलामत रहे। जॉन एमेंडिस। सर, मैं 508 बोल रहा हूँ, गैर कानूनी शराब बनाने वालों के अड्डे का पता चल गया है। खबर सही है ना? जी हाँ। ऑलराइट, मैं अभी आता हूँ। और सुनाओ, ये खुफिया ऑपरेशन है, किसी को इस बात का पता ना चले। ओके, बी केयरफुल। क्या फिर किसी रेट पे जा रहे हो? मुझे तो ये डिवीजन ही बहुत खतरनाक लगती है। जॉन, यहाँ से ट्रांसफर क्यों नहीं करवा लेते? ट्रांसफर? डोंट बी सिली। पुलिस वालों में अगर हिम्मत नहीं होगी तो गुंडे लोग अपना राज चलाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शेरिल, इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस की बीवी के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जाओ, मेरी वर्दी तैयार करो। कम ऑन। लटपट 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 तुझा चाल नग मोठ्या नखऱ्याचं, चाल नग मोठ्या नखऱ्याचं, बोल नग मंजुळ मैनेचं, बोल नग मंजुळ मैनेचं, नारी ग नारी ग हो नारी ग हो नारी ग हो नारी ग दारू मिलती है आमच्या गावात गए बरीस मेला लगला होता है, हम इधर इससे दारू लेके गए था। गए बरीस लेके गए रहे? हाँ बरोबर लेके गए थे। ठीक है ठीक है, लेकिन जड़ी बूटी के बदले में दारू ना ही मिलेगी। माल रोकड़ा लाए हो ना? ये भड़विया पकड़ रहे? रोकड़ा? रोकड़ा? एकदम रोकड़ा, गवर्नमेंट का छापेला भगा। इतने सारे रुपये? हाँ, तुम्हें काहे समझ ला आप उनको। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम दावना अंदर जाओ, बाकी लोग यहाँ ठहरो। ये बराबर भगा रहे मोटियाला, बराबर भगा रहे। सीटी सुनकर डर गया मैं। कहा अरे पर तुम सीटी का जरा बाजूली, जब कौन वो गाहक आता है तो एक ही सीटी बजाता हूँ। अरे तुम तो जवाब नहीं, वो मग दोन सीटी कभी बजाते हो? जब इन पुलिस का खतरा हुई था तब। चिल्लाओ नहीं, तुहार चिल्लाए से सचमुच पुलिस आई जाए। तुम लोग पुलिस से डरत हो का? हाँ, हमार होते हुए पुलिस को यहाँ आए की हिम्मत ना ही हो सकत है। हाँ? हाँ? दोंगरा कोड़कनो वो। तुम दोनों अंदर जाओ, बाकी लोग यहाँ बैठो। हाँ यहाँ बैठो, बैठो बैठो। अरे ओ छोटू, रात को 2 बैरल गिरधर के मकान में पहुंचा देना। जी उस्ताद। अरे ओ साले, जल्दी जला आग, देखता क्या है, देखता क्या है, आग जला। अरे ओ, इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस आ गया, साले के टुकड़े टुकड़े कर दो, जाओ। Thank you.
इन सबको पुलिस स्टेशन लेके आओ। ओके सर। क्यों बे सालो, तुम लोग अपने आप को यहां का बेताज बादशाह समझते हो क्या? सजा देना कोर्ट के हाथ में है, तुम्हें हमको मारने का हक नहीं। हाँ कोर्ट में भी ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कांस्टेबल जॉन, शट अप। मेरा नाम लिया तो जुबान खींच लूंगा तेरी। गज्जू सेठ के आदमियों को गिरफ्तार करने वाला बहादुर आज तक इस डिवीजन में नहीं आया, आज आ गया है। गज्जू सेठ से टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। गज्जू सेठ से टकराने के लिए जॉन एमेंडिस के घर का कुत्ता ही काफी है। गज्जू सेठ से टकराओगे तो तुम इस डिवीजन में नहीं रह पाओगे। बार बार गज्जू सेठ की रट लगाया जा रहा है। ये गज्जू सेठ कोई 30 बार कहा है क्या? ये मैं नहीं बोलता, पूरी दुनिया बोलती है। कौन हो तुम? शाबाश। हाँ मगर तुम इधर नवा आया है, इसलिए अपन तुमको माफ करता है, बुरा नहीं मानता है। नहीं तो इधर का दस्तूर है कि कोतवाली में जो भी नवा इंस्पेक्टर आता है पहले वो अपने घर पे आता है, अपने को सलाम मारता है, अपने को उसका थोड़ा पसंद आया तो सलाम लेता है, नहीं तो उसका ट्रांसफर करवा देता है। तो मैं इलाके के गवर्नर हो क्या? ये मैं नहीं बोलता, अखी दुनिया बोलती है। वैसे किसी रोते हुए बच्चे के सामने गज्जू सेठ का नाम लेके देखो, वो अपने हाथ से अपना मुंह फटाक देने से बंद कर देगा। अच्छा, उसी बच्चे के सामने जॉन एमेंडिस का नाम लेके देखो, वो दूसरे हाथ से अपनी माँ का मुंह भी बंद कर देगा। वाह, देखो जॉन, इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस कहो। अच्छा जॉन एमेंडिस, खुश, शाबाश। तो देखो इंस्पेक्टर साहब, आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। इस इलाके में मेरा हुक्म चलता है, शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो वापस नहीं आएगा, इसलिए मेरे आदमी को छोड़ दो। मैंने सड़क पर गोलियां खेलने वाले लोंडों को बंद नहीं किया है, जो शराब की भट्टियों पर काम करने वाले गुंडों को बंद किया है, अंडरस्टैंड? इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस, मैं गुंडों की दुनिया का बादशाह हूँ और मेरे 1000 सिपाही इस वक्त तुम्हारे पुलिस स्टेशन को बाहर से घेरे हुए हैं और मेरे एक इशारे पर तुम्हारे इस पुलिस स्टेशन को माचिस की डिबिया की तरह भक्त से उड़ा देंगे, समझे? जॉन, शट अप, इंस्पेक्टर। यस सर। बाहर जो आदमी खड़े हैं अगर वो कोई हरकत करने की कोशिश करें तो उन्हें गोली मार दो। शूट देम साइड। यस सर। गो। कांस्टेबल। हवलदार, पुलिस स्टेशन पर हमला करने के जुर्म में इस आदमी पर चार्जशीट फाइल करो। यस सर। शाबाश इंस्पेक्टर, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। तुम्हारी जैसी आग को तो मैं फूंक मारकर बुझा सकता हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस मुजस्सिम आग है, जोगे तो राख हो जाओगे। मुझे ललकार के आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है इंस्पेक्टर। कीप योर डर्टी माउथ शट। कांस्टेबल, बंद कर दो इसे। जॉन, शाबाश। तुम जैसे कुत्ते चाहे कितना ही भौंके, पुलिस फोर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ठीक 4 बजे तुम्हें इधर आना है। अगर 3:59 पर भी आए तो खाल खींच लूंगा तुम्हारे, अंडरस्टैंड? यस सर। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, प्लीज छोड़ो ना। हाँ ये तो रोज की बात है, तुम मुझे छोड़ने को कहती हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। छोड़ दो प्लीज। नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो बहुत गड़बड़ होगी। अब तुमसे मुकाबला करने वाला कोई आ रहा है। मुझसे मुकाबला करने के लिए तो मुझे से किसी दूसरे को जन्म देना पड़ेगा। अब वही होने वाला है। मतलब? थत, बुद्धू कहीं के, इतना भी नहीं समझते? अरे अरे अरे, हेलो, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। मुझसे मुकाबला करने को आ रहा है क्या? मैं कौन हूँ मालूम है? इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस। अरे क्या हुआ? वाह, जवाब नहीं तुम्हारे बेटे का, अभी पैदा भी नहीं हुआ और ऐसा कस के थप्पड़ मारा कि बत्ती से हिला दी। आखिर मेरा बेटा है ना। शरील, देखना मैं इसे क्या बनाता हूँ। अच्छा, बेटे को बनाने की खुशी में कहीं मुझे ना भूल जाना। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं डार्लिंग? हमारे शरीर भले ही दो हों, लेकिन आत्मा तो एक ही है। तू मेरी जान है, मेरी पहचान है। तस्वीर बनाई है।
की तकदीर बनाई है, तूने मेरे ख्वाबों की तस्वीर बनाई है, हर रोज नया उसमें एक रंग जल्दी घर आना। हाँ यस मैडम, शाम को जल्दी घर आऊंगा अगर तुम एक दोगी तो। शाबाश। ओ गज्जू सेठ। सलाम साहब। कैसे आना हुआ? सोचा पहली बार तुम्हारे घर आ रहा हूं तो खाली आ जाना बुरी बात है, इसलिए नजराना लेकर आया हूं। ये किस खुशी में लाए हो? छुरी अगर तेज हो और नंगी हो तो पकड़ने वाले का हाथ कट जाया करता है, इसीलिए छुरी को गिलाफ में रखते हैं। मैं इस छुरी को पकड़ने के लिए ये गिलाफ साथ में लाया हूं। वैसे तो लोग कहते हैं कि न पुलिस की दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी अच्छी है, मगर मेरी नजरों में पुलिस की दोस्ती उनकी दुश्मनी से ज्यादा अच्छी है। आई सी, तो तुम मुझसे दोस्ती करने आए हो? हमारी दोस्ती बड़े काम की चीज है इंस्पेक्टर, कर लो ये जिंदगियां बना देती है। तब तो तुम अच्छे खासे भगवान हो गए। अरे उससे भी बढ़ के, भगवान तो मांगने पे देता है, हम तो बिना मांगे दे दिया करते हैं। जिंदगी भर नौकरी करके भी आप 1,00,000 रुपया नहीं कमा सकते, ये लीजिए 2,00,000। तुम्हारे बूढ़े होने से पहले ही लक्ष्मी तुम्हारे घर पे आ गई जॉन साहब। चरेल तुम अंदर जाओ। सोच समझ के फैसला करना इंस्पेक्टर साहब, कड़क कड़क नोट हैं, नकली तो नहीं है ना? दीदी क्या बात करते हो, शराब में नकली बनाता हूं मगर नोट असली इस्तेमाल करता हूं, मेहनत के है ना। अच्छा, और रुपए भी बहुत सारे लाए हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ दोस्ती करोगे तो नोटों में नहला डालूंगा, अखे पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा नाम सूरज के माफिक चमका डालूंगा, और उसके वास्ते हर महीने 6-7 केस भी पकड़वा डालूंगा। हाँ Yes, 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 you are right. डिपार्टमेंट में मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। शाबाश, ये बात हुई ना? गज्जू से, तुम जैसा आदमी घर की बीवी और मंदिर के भगवान को भी बेच सकता है। मुंह संभाल के बात निकाले नहीं देना। शराब, तेरी ये मजाल की फर्ज और कानून को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाले इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस को खरीदने चला आया। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? तुम्हारे कानून के बनाने वाले मेरे दरवाजे पे आके चंदे की भीख मांगते हैं और मैं उनकी झोली में भीख डालता हूँ, समझा? जब तक तुम जैसे लोग इस देश में जिंदा है तब तक सच बोलने वालों का दम घुटता रहेगा, इंसाफ का गला दबता रहेगा, लेकिन मेरे जीते जी मैं नहीं होने दूंगा। मैं तुम लोगों के हाथ काट डालूंगा और गला घोट दूंगा, तभी मैं चैन से बैठूंगा। अरे मैंने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों को जेल की चक्की पिसवा डाली है, तुम कौन सी खेत की ककड़ी हो? तेरी ये हिम्मत, तू एक पुलिस ऑफिसर को चैलेंज कर रहा है? ये चैलेंज नहीं है, हकीकत है। शराब, अगर 1 सेकंड और यहाँ रुके तो गोली मार दूंगा, उठाओ ये सब और निकल जाओ से। गेट आउट। शाबाश। अबे फोकट की दारू मिल रही है, मुंह खोल चल। मेरे को बस है साहब, नशा ज्यादा हो रहा है, मेरे को चल रही है साहब। अबे डरता क्या साले, मैं हूं ना लेपी, मुगल पी 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 पी। अबे अबे गिरा मत साले, नहीं तो टकला फोड़ डालूंगा। ए किधर हो? ए गोपाल, मैं किधर हूं? चलो जाओ, चलो बे। हाथ हाथ तोड़। अबे कसी बे, अबे हड्डी तोड़ ना, ये तो मारूंगा पकड़ के। और नमस्ते, बैठिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? साहब मेरा नाम गज्जू है,
अपुन दारू पीने वाले का मैयत भी नहीं जाता है। इतना सूफी आदमी के ऊपर आपका वो इंस्पेक्टर जॉन ने दारू का भट्टी का चार थोप दिया साहब, अपुन को बचाना नहीं तो सपड़ जाएगा साहब। इस केस का मुकदमा तो अदालत में चल रहा है, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ऐसा मत बोलो साहब, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। अरे गोपाल भाई, जरा आपने दुकल को लाना तो। चलो भाई अंदर चलो। ये देखो बेचारा। अरे रे रे रे, सबर करो सबर करो। ये देखो साहब, ये जॉन साहब ऐसी जोर जबरदस्ती भी उतर आया। पहले मेरे आदमी को मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने पे मजबूर किया, और जब उसने इनकार किया तो मार मार के सब फोड़ डाला। ये सब क्या है साहब? नो, मैं इस बात का यकीन नहीं करता। ये सच है साहब, इस हादसे को इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा है। साहब को बताओ तुमने क्या देखा? हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जॉन साहब ने इस आदमी को मार मार के इसका भजिया बना दिया। और ये लो साहब, ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है और ये मेरी कंप्लेंट है साहब। अच्छी बात है, मैं इसकी छानबीन करूंगा। अपन तो क्या है साहब, कानून का सेवक है, इसके वास्ते बोलता है। जैसे एक मच्छी अक्खे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे जॉन साहब जैसा एक थानेदार पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब कर देता है। बाकी तो आपको समझदार है साहब, हम क्या बोलेगा। जय हिंद। चलो भाई लोग चलो। आओ मिस्टर बंसी, इंस्पेक्टर जॉन को फौरन मुझसे मिलने को कहो। इंस्पेक्टर जॉन, गज्जू ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। ये तो वही हुआ ना सर, कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे को पड़ गया है। गज्जू का तो हत्याओं से संबंध है सर, केसेस अभी तक पेंडिंग है। हाल ही में उसके खिलाफ मैंने कुछ सबूत ढूंढ निकाले हैं, उसे इस बात का पता चल गया होगा। अपने बचाव के लिए वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आई सी, एक फॉर्मल एक्सप्लेनेशन दे देना, बाकी मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। तुम्हारी वाइफ कैसी है? ठीक है सर, कल रात उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। She's all right. She's all right. आज रात तक डिलीवरी हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर। It's all right. नहीं नहीं, घबराओ मत, अभी डॉक्टर आती होंगी। या सिस्टर, इन्हें डिलीवरी रूम में ले जाने की तैयारी करो, जल्दी जाओ। घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर। यस। इससे पहले मेरे दो बच्चे पैदा होते ही मर गए थे, इस बार भी अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मेरी बीवी। डोंट वरी मिस्टर बिजमोहन, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। जॉन, मुझे बहुत डर लग रहा है, तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखो ऑफिस की फाइल्स और डायरी सब यहीं ले आया, अगर तुम कहोगी तो तुम्हारा हाथ पकड़कर डिलीवरी रूम में भी बैठा रहूंगा, क्यों फातिमा बहन? हाँ भैया बिल्कुल, डिलीवरी भी तुम ही करा देना, डॉक्टर की क्या जरूरत है। सर आपका फोन। अच्छा मैं अभी आया। यस जॉन एमेंडेस। सर सर, गज्जू सेठ और बशीर लाला के गैंग में खून खराबा शुरू होने वाला है। कहाँ? गोलीबार के आखिरी में एक पुराना बंगला है ना, वहाँ। ठीक है मैं अभी आता हूँ। आई एम सॉरी शेरिफ, मुझे फॉरन ड्यूटी पर जाना है। लो, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि यही रहोगे। हाँ कहा तो था, लेकिन गोलीबार के पास पुराने बंगले में थोड़ी सी गड़बड़ है, उसे ठीक करके आता हूँ, और फिर तुम तो यही होना फातिमा बहन। जाओ शेरिफ। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बीवी होना बहुत मुश्किल काम है। कम ऑन शेरिफ। जाओ मगर जल्दी आना। बस ये गया और ये आया। शेरिफ मेरा तन जा रहा है, लेकिन मेरा मन तो तुम्हारे साथ यहीं रहेगा। अबे कस के बांधो ना मुर्गी के। सेठ तू आ गया। ए भाग 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 भाग, चलो 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 भाग।
गज्जू, गज्जू, तुम्हें यहाँ किसने बंद रखा? मेरे ही आदमियों ने। तेरे ही आदमियों ने? तेरे को इधर बुलाने का प्लान बनाया था, इसीलिए तेरे हवलदार तुकाराम के जरिए तेरे को फोन कराया था। जो इज्जत से बोलो, इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस। शाबाश, इज्जत से हैं? वो दिन जब मैं तेरे को इज्जत देने को आया था तो तूने मेरे को बेइज्जत करके जेल में डाल दिया, फिर भी मैंने तेरे को माफ कर दिया। मगर तू बाज नहीं आया, तूने मेरे पुराने गुनाह खोदने शुरू कर दिए, इसलिए मैंने फैसला किया कि तेरे को गाड़ देना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस से मौत भी डरती है गज्जू। शाबाश गोपाल, जरा इज्जत से। उस दिल इस जन्म में न सही, अगला जन्म लूंगा तुझसे बदला लेकर रहूंगा। गोपाल, इसकी लाश को ले जाकर समंदर में फेंक दो ताकि इसका नामो निशानी मिट जाए। शाबाश। आ!
डॉक्टर, डिलीवरी हो गई? हाँ, जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। अच्छा, या अल्लाह, शेरिल बीबी ठीक है ना? अफसोस है, मैं उन्हें नहीं बचा सकी। क्या? नहीं, शेरिल बीबी, शेरिल बीबी, शेरिल बीबी, या अल्लाह, क्या हो गया? मेरी शेरिल को क्या हो गया? या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मैं जान भैया को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं क्या जवाब दूंगी? शेरिल, यार मुझे क्यों नहीं उठा लिया तूने? डॉक्टर, सॉरी मिस्टर बिजमोहन, इस बार भी हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। मुझे ये भी पता चला कि गज्जू सेठ नाम के हुंडे ने जॉन भैया का खून कर दिया और उनकी लाश को समुंदर में फेंकवा दिया। दो घंटे के बच्चे यतीम हो गए, पल भर में हंसता खेलता खानदान तबाह हो गया। मैं सोच ही रही थी कि मैं गरीब इन दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी। इतने में शहर के एक रईस ब्रिजमोहन गुप्ता वहां आए। उन्होंने मुझे बताया कि उनका तीसरा बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ है, इसलिए उन्होंने एक बच्चा मुझसे मांगा। उनकी बीवी की जान बचाने के लिए मैंने उन्हें एक बच्चा दे दिया। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि एक बच्चा अमीरी में पले और एक गरीबी में, इसलिए वो जाने की परवरिश के लिए हर महीने 500 रुपए भेजते रहेंगे। उन्होंने मुझसे ये भी इसरार किया कि मैं ये राज किसी को न बतलाऊं। मालूम पड़ा बदर भाई, जाने के माँ बाप कौन थे? अगर ये बात है फातिमा बहन, तो आप जाने की वल्दियत सबको बताते हुए डरती क्यों है? इसलिए जिन गुंडों ने जॉन साहब का कत्ल किया, कहीं वो जानी के खून के प्यासे ना हो जाए, इसी डर से मैंने वो शहर छोड़ा और यहाँ आकर पनाह ली। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि जानी मेरा असली भतीजा नहीं है। ठीक 25 साल पहले इसी दिन दो जाने इस जमीन पर से उठ गई और दो जाने पैदा हो गई। आज जानी और जनार्दन की सालगिरह है। मेहमान इकट्ठे कर लिए, लगता है बेटे की शादी है। बेटे तुम तैयार हो? यस डैडी, मैं तैयार हूं। ये क्या चमत्कार है जनार्दन, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। इस परिवर्तन का कारण क्या है? आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। देखा ब्रिजमोहन, मेरी बेटी ने साधु महाराज को इंसान बना दिया। अरे चल चल, तेरी बेटी ने नहीं, मेरी बहू ने। अच्छा बाबा, मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी बहू है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम्हारा पुनर्जन्म तुम्हारे जन्मदिन पर हुआ है। चलो बेटी, नीचे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हें जन्मदिन मुबारकबाद देने के लिए। आओ। आप लोग मेरे बेटे के 25वें जन्मदिन पर उसे आशीर्वाद देने आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटे, केक काटो। उस दिन इस जन्म में न सही, अगला जन्म लूंगा, उससे बदला लेकर रहूंगा।
गज्जू कहाँ है? गज्जू? तुम्हारा बास गज्जू कहाँ है? मिस्टर जनार्दन। नो, नो, मैं जनार्दन नहीं हूं, मैं जॉन हूं। 25 बरस पहले ठीक इसी दिन इसी वक्त जिसकी जान तुम लोगों ने ली थी, वही इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस हूं मैं। मैं कुछ नहीं जानता। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। उस दिन तुम लोगों ने मेरे शरीर को तो मिटा दिया, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मिटा सके। मेरी आत्मा तुम लोगों से बदला लेने के लिए आज भी जिंदा है। उस दिन मैंने कहा था ना कि मैं दूसरा जन्म लेकर बदला लूंगा, याद है? आज उसे पूरा करूंगा। बोल गज्जू सेठ कहाँ है? बोल गज्जू सेठ कहाँ है? मुझे नहीं बोल गज्जू सेठ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बोल गज्जू सेठ कहाँ है? हट जाइए। बोल। मुझे तो मिस्टर जनार्दन बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। तो अचानक उसे क्या हो गया है डॉक्टर साहब? घर पर आए हुए मेहमान की जान लेने की कोशिश की, पगलों जैसी बातें करने लगा। कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में जॉन एमेंडिस था, मैंने दोबारा जन्म लिया है। आपके पुरखों में किसी का नाम जॉन एमेंडिस था? डॉक्टर साहब, जनार्दन मेरा अपना बेटा नहीं है। जॉन एमेंडिस एक पुलिस ऑफिसर थे, ये उन्हीं का बेटा है। और ये ठीक उसी वक्त पैदा हुआ जब इसके पिता की मौत हुई। डॉक्टर साहब, क्या आपके ख्याल में पिता की आत्मा बेटे के शरीर में प्रवेश कर गई है? हो सकता है। पुनर्जन्म की खबरें हम अक्सर सुनते हैं। देखिए गुप्ता जी, जनार्दन को उन लोगों से और उस माहौल से दूर रखिए जहां उसे पिछले जन्म की याद आ सकती है। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, तो मैं चलता हूं। जनार्दन का दावा है कि उसके शरीर के अंदर स्वर्गवासी जॉन की आत्मा प्रवेश कर गई है। जॉन एक पुलिस ऑफिसर था, एक गुंडे गज्जू ने उसका कत्ल करके उसकी लाश समंदर में फेंक दी थी। गज्जू से बदला लेने के लिए ही जॉन ने दूसरा जन्म लिया है। हालांकि यह घटना 25 बरस पहले हुई थी, लेकिन जनार्दन को विश्वास है कि गज्जू चाहे कहीं भी हो, किसी भेष में भी हो, वो उसे ढूंढ निकालेगा। मतलब वो मेरे को ढूंढ रहा है, अपने पिछले जन्म के कातिल को? मेरे को लगता है तेरे को पहचानने के बाद वो तेरे जरिए मेरे तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब की बार उसकी आत्मा को ही मार देते हैं ताकि वो तीसरा जन्म न ले सके। आशा जी, एक काम करो, जनार्दन का पीछा करो, उससे मिलो और उससे बड़े प्यार से जॉन बोलो। उससे कहो कि तुम उसके पिछले जन्म की बीवी शेरिल हो, और यह सुनने के बाद उस पर क्या असर पड़ता है जरा गौर से देखो, और उसके बाद उसे अपने घर ले जाओ। उसके बाद? उसके बाद क्या करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ। ओके, बाय डार्लिंग, सी यू। आप उस खतरनाक आदमी के पास इस हिरनी को भेज रहे हैं? ये हिरनी नहीं है, शेरनी है। अच्छे अच्छों का शाबाश कर डालती है। दुम 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 नादी, कच मंगनी और पट शादी,
दुम 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 नादी चट मंगने और पट शादी नक दुम 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 नादी चट मंगने और पट शादी लोगों की बात न करना लोगों से अब क्या डरना हमने ये जान जवानी हंसते नाम लगा दी दुम नक दुम 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 नादी चट मंगनी और पट शादी मैं प्यार नहीं करता हूँ मैं तुमसे मरता हूँ मैं प्यार नहीं करता हूँ मैं तुमसे मरता हूँ दुम 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 नादी चट मंगनी और पट शादी ऐसे धड़का जैसे एक शोला सा भड़का ये दिल कुछ ऐसे धड़का जैसे एक शोला सा भड़का ये क्या करते हो ये पब्लिक प्लेस है तो क्या हुआ छोड़ो ना छोड़ो अरे बदु बदु रुक जाओ हेलो जॉन जॉन कितने दिनों के बाद मिले हो जॉन डार्लिंग कौन हो तुम अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना मैं तुम्हारी शेरिल हूँ उस रात जब तुम हॉस्पिटल से गए तो वापस ही नहीं आए मुझे तुम्हारी तलाश में जिंदगी की सीमा पार करके मौत की सीमाओं में जाना पड़ा लेकिन जब तुम मुझे वहां भी नहीं मिले तो मैं मौत की सीमा पार करके यहाँ आ गई आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला फर्क सिर्फ इतना है कि इस जन्म में मेरा नाम आशा है मेरा तन मन सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है जॉन शेरिल 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 कौन है तू चिपकी जा रही है शर्म नहीं आती तुझे मैं अपने हस्बैंड से चिपकने में शर्माऊं क्यों मैं इनके पिछले जन्म की बीवी शेरिल हूँ पिछले जन्म की बीवी माय फुट इस जन्म में Oh!
जल्दी चलो। आशा, नाटक का पहला सीन तो बहुत बढ़िया किया, अब दूसरा सीन शुरू करो। हेलो, हु इज स्पीकिंग? मैं शेरिल बोल रही हूँ डार्लिंग। अरे तुम, मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार करके करके पागल हुआ जा रहा था, लगता था तुम शायद फोन करोगी नहीं। मैं खुद तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, आ जाओ तो जिंदगी वहीं से शुरू करें जहाँ पिछले जन्म में खत्म की थी। कहाँ से बोल रही हो? 17 हुस्नाबाद लेन शांता क्रूज। 17 हुस्नाबाद लेन शांता क्रूज, मैं अभी आता हूँ। 17 हुस्नाबाद स्ट्रीट। शेरिल, 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 शेरिल। हाय डार्लिंग। हाय। वहां क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ। स्विमिंग पूल पर देखते ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था, पिछले जन्म की सारी यादें ताजा हो गई। अगर वो चुड़ैल तुम्हारे साथ ना होती तो मैं अपने दिल की सारी भड़ास वहीं निकाल लेती। इतनी रात गए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, तुम्हारी नींद तो नहीं खराब की मैंने? अगर तुम नहीं बुलाती तो मेरी नींद खराब होती, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। तो आओ, आज हम दोनों ये साबित कर दें कि रात कितनी छोटी है। अरे पहले दरवाजा तो बंद करो। आई एम सॉरी। वेलकम मिस्टर जनार्दन, वेलकम। जॉन एमेंडिस को गज्जू सेठ ने ठीक से नहीं मारा, इसीलिए वो दूसरा जन्म ले सका। लेकिन अब की बार मैं तुझे ऐसे मारूंगा कि तेरे शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी खत्म हो जाए, ताकि वो तीसरा जन्म ना ले सके। गज्जू सेठ कहाँ है? बोल गज्जू सेठ कहाँ है? बताता हूँ। बता गज्जू सेठ कहाँ है? बताता हूँ। Thank you.
से पहले बता दे गोपाल, गज्जू कहाँ है? गज्जू ही सेठ गजानन बन गया है। अरे वो शैतान, हटा, अब तू बच्चा नहीं रहा, मुसल सी टांगे फैला दी मेरे ऊपर। अब उनको खाली पिली दिया पुपी हो। जगा दिया के बच्चे, चैन से सोने भी नहीं देता, मैं वहाँ जाके सोती हूँ। नहीं 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 नहीं, अब उनको अकेले नींद नहीं आएगी, तुम इधर ही सो जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं पुपी 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 पुपी, तुम्हारी चूड़ियां तो बड़ी खूबसूरत हैं, कितने में बनवाई थी? उन दिनों तेरी नानी ने 1000 रुपए में बनवाई थी। हाँ। आज अगर इन्हें गिरवी रखे तो 4-5 हजार तो मिल ही जाएंगे। हाँ, इतने तो मिल ही जाएंगे। पुफी, पुफी, आजकल मैं बड़ी कड़की में हूँ, एक चूड़ी दे दे। इसीलिए मस्का लगा रहा था क्यों? अरे एक दो दिन में लौटा दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी। मत दे मत दे, तेरे मरने के बाद तो आपको ही मिलने वाली है। नहीं, ये तुझे नहीं मिलने वाली, तेरी नानी ने ये चूड़ियां तेरी बीवी को देने के लिए बोला है, समझा? जबीश मर गई साली, मेरे को देने को बोला होता तो नहीं मरती। नाच पीटे चुट्टे की तरह घूरे जा रहा है। मगर मैंने कहा अबे उल्लू, घड़ी क्या, मेरा बस चले तो घड़ा सामने रख कर पिया करूं। क्या बात कह रहे? अरे इसलिए तो कहता हूँ, हाँ जब तक है जी जी भर के पी, जब तक है जी जी भर के पी, जी भर के पी बाबू जी भर के पी, नहीं रहेगा जी तो प्यारे प्यारे कौन कहेगा पी 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 पी, जब तक है जी जी भर के पी, जी भर के पी बाबू जी भर के पी, अरे नहीं रहेगा जी तो प्यारे प्यारे कौन कहेगा पी, जब तक है जी जी भर के पी। सबसे सुंदर फूल गुलाबी होते हैं, सबसे सुंदर फूल
जीवर के पी, जीवर के पी बाबू जीवर के पी। कम बाहर जाए जब अंदर जाए लाल परी। जब तक है जी, जी भर के पी, जी भर के पी बाबू जी भर के पी। अरे नहीं रहेगा जी तो करे करे कौन कहेगा पी 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 पी। यानी क्या गाया रे तूने? अरे तू क्या पार्टी दिया रे बा? अरे वो बेवड़े कहाँ चले? 5 बाटली दारू का पैसा निकालो, 25 रुपए बाटली के हिसाब से 125 होता है। ए, निकाल रहे। अरे मेरे खाते में लिख दो। अरे वो खाते के बच्चे रोकड़ा निकाल। ओ मोटू क्या है? अरे उस पहलवान को काहे को बुलाती है? साला अपुन की हड्डी बसली नरम कर देगा क्या? ऐसा कर ये चूड़ियां रख ले। रख लो रख। कल साला बुन। जनाब एक मिनट, ये चूड़िया तुझे किधर से मिली बे? मेरे नानी के हैं। झूठ बोल मैं साला, तेरी नानी की तो पिछले साल मैं टूटी थी, ये चूड़िया अपुन की नानी की है। अरे बड़ा तेरे को मेरे नानी के फातिमा काकी मुझे बचा लो, फातिमा काकी मुझे बचा लो। अरे क्या जाने मार डाले वो ना साले। मैंने ही तुम्हारी चूड़ियां चुराई थी फातिमा काकी। पुपी ये ले अपनी चूड़िया। मेरा राजा बेटा है, मेरा राजा बेटा है। बदमाश कमीने झाड़ू मारे, तेरी वजह से मैंने जानी पर शक किया, इसे कितनी गालियां दी, इसे कितना मारा, अब दोबारा यहाँ आया तो तेरी खाल नोचूंगे। निकल जा यहाँ से, दफा चल दफा। पुपी ये चूड़िया लाने के लिए अपुन को कितनी कितनी मुसीबत उठानी पड़ी। सो तो उठानी पड़ी होगी बेटा। पुपी एक चूड़ी दे देना। नहीं एक आज नहीं, कह दिया ना ये चूड़िया मैं सिर्फ तेरी बीवी को ही दूंगी। बीवी को? हाँ। अरे अपन शादी नहीं बनाएगा तो बीवी किधर से आएगी? तो मैं खैरात में दे दूंगी। खैरात में? अरे खैरात में बाहर वाले को कहीं को देना, अंदर वाले को देना, अपन को देना, अपन को देना। बस बस अब नाटक मत कर, चल मुंह हाथ धोकर रोटी खा ले चल। योर ऑनर, 12 जून को मुलजिम जनार्दन गुप्ता ने श्री गोपाल दास को आशा के घर धोखे से बुलवाया और उनका कत्ल कर दिया, और इंस्पेक्टर बांद्रेकर ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसलिए योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इसके लिए सजाए मौत की सिफारिश करता है। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या मुलजिम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है? योर ऑनर, मैं बेगुनाह हूं और अपनी बेगुनाही साबित भी कर सकता हूं, अगर अदालत मेरी तरफ से एक गवाह तलब कर सके। कौन है वो गवाह? सेठ गजानन। तुम्हारी मुराद प्रमुख व्यापारी सेठ गजानन से है? यस योर ऑनर। मुलजिम को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत मौका देती है, सेठ गजानन को अदालत में तलब किया जाए। क्या बात है बॉस, आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। वो गोपाल साला हरामी मरते मरते जनार्दन का भूत मेरे पीछे लगा गया है। कोर्ट जाना पड़ेगा, मालूम नहीं वहां जज क्या उल्टे सीधे सवाल पूछता है। वो जनार्दन अपनी सफाई में कहेगा कि तुम भी वहां मौजूद थी तो तुमकी भी कोर्ट आना पड़ेगा। डोंट वरी बॉस, तुम्हारे खिलाफ उसे कुछ सच नहीं बुलवा सकता। हाँ वो मैं जानता हूँ डार्लिंग, मगर तुम पुलिस को नहीं जानती ना। पुलिस अगर जिद पर आ जाए तो वो मुर्दे की भी जबान खुलवा लेती है। नहीं बॉस, मैं तुम्हारे खिलाफ कभी मुंह नहीं खोलूंगी। देखो डार्लिंग, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है, मगर मेरी जान मेरे लिए तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। नहीं बॉस, प्लीज प्लीज, डोंट शूट मी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। सेठ गजानन, सेठ गजानन, सेठ गजानन।
कहो। भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। उस दिल इस जन्म में न सही, अगला जन्म लूंगा तुझसे बदला लेकर रहूंगा। आपका नाम? सेठ गजानन गलगोटिया। नो, ये तो नया नाम है, पुराना नाम बताओ। नाम कोई जूता कपड़ा या मकान तो होता नहीं है जो पुराना हो जाएगा, और फिर भगवान ने आज तक अपना पुराना नाम नहीं बदला, तो मैं कौन हूं तो नाम बदलने वाला। जज साहब, मेरा नाम पहले से गजानन है। झूठ, तू गजानन नहीं, गज्जू सेठ है। तू चाहे जमाने भर को धोखा दे ले, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं जॉन एमेंडिस हूं, तुझे कत्ल करने के लिए ही मैंने दूसरा जन्म लिया है। आज मैं तुझे यही इसी वक्त खत्म कर दूंगा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तू गज्जू सेठ है, तू गज्जू सेठ है, जलील कमीने। ऑर्डर, ऑर्डर। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऑर्डर, ऑर्डर। आई विल किल यू। मुल्जिम का बर्ताव ठीक नहीं है, इसलिए इसकी जमानत रद्द की जाती है, इसको हिरासत में ले लिया जाए। जमुना भाई, ये करदा पटली पहली दर का देना। पहले 150 रुपया निकाल। देख जमुना, आप उनके मगज का दही तो कर मत। 150 रुपया फोकट का मांगते है क्या? फोकट का नहीं मांगती, कल चखने चखने में ही तो बाटली खलास कर गया और बेड़े रघु के साथ 5 बाटली पी गया। निकाल पैसे। अरे वो जमुना भाई, तेरा मगज फिगड़ आया क्या? टेस्ट करने को तू बिना बोलती है, अक्का पानिश पानिश था थू। और वो साला रघु उसकी जन्मदिन का पार्टी अपुन को दिया और तुम साली 5 बाटली का पैसे अपुन से मांगती है। अरे वो तो चूड़ियां दे रहा था, पर तुम साला नानी का ड्रामा करके उसको भी पटा के ले गया। सीधी तरह माल निकाल। बहुत श्याणी बन रहे क्या? सीधी तरह दारू देती है या फिर 36 का आंकड़ा बताओ तेरे को। अच्छा ओ मोटू, जानी को पहली धार की तो पिला दे। Thank you.
भाई तो बहुत तगड़ी मारते हो उस्ताद। अपन अच्छे के साथ अच्छा और खोटे के साथ बहुत खोटा बाप। खाली पीली भेजा पिरा दिया अपन का साली ने। ए मोटे। अरे नहीं 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 नहीं। अरे मवाली साला सब बर्बाद कर दिया, नुकसान कर दिया। कौन भरेगा तेरा बाप? जब देखो दादागिरी करता फिरता है। मेरे को तबाह कर दिया, मेरे को खलासित कर दिया इसने। खलासित कर दिया? अरे क्यों रोती है भाई? दिखता नहीं सर, तोड़ फोड़ दिया इसने, कम से कम 500 का नुकसान। अरे रो मत, तेरे 500 मैं देता हूँ, फिक्र मत कर। भाई ये ले 500, अब खुश है ना? जा। 500 रुपया कहीं को दिया उसको? अरे तुम चाहो तो 500 क्या है, मैं 50,000 देता हूँ। 50,000? हाँ। काई को मजाक करता है गुरु? अरे मजाक नहीं भाई, सच। इधर आओ बोलता हूँ। ये देख। हप। अरे ये तो कमाल हो गया, इसका थोपड़ा तो अपुन के थोपड़े से बिल्कुल मिलता है बाप। हाँ इसी के लिए तुम्हारी जरूरत है, कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। यस योर ऑनर, कल अदालत में मुझसे जो बदतमीजी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता, पर जो कुछ हुआ मैं उसके लिए मजबूर था योर ऑनर। 25 बरस पहले मैं इसी गजानन सेठ के हाथों मारा गया था, तब यह गज्जू सेठ कहलाता था और गैर कानूनी शराब का धंधा करता था। इस आदमी ने अपने उसी अतीत से बचने के लिए गोपालदास की भी हत्या की, जिसके कत्ल का केस मुझ पर चल रहा है। इसलिए जब ये अचानक मेरे सामने आया तो मैं अपने होश गवा बैठा। मैं अदालत से फिर एक बार माफी चाहता हूँ योर ऑनर। इस वक्त आप जॉन एमेंडिस बोल रहे हैं या जनार्दन गुप्ता? जॉन एमेंडिस योर ऑनर, क्योंकि मैं वही हूँ। जब मैं यहां जिंदा खड़ा हूं तो मेरा दूसरा जन्म कैसे हो सकता योर ऑनर? मैं ही जॉन एमेंडिस हूं। योर ऑनर, कितना माल खाया इस नाटक के लिए? आ? इतना शराब है बड़ी मोती ब्लैगार्ड। ए थू। ऑर्डर ऑर्डर। I'm sorry, Your Honor. I am extremely sorry. जब मुझे पता चला कि इस केस में मेरा नाम लिया जा रहा है तो मुझे अदालत में हाजिर होना पड़ा। मैं अपना बयान देना चाहता हूँ Your Honor. Request granted. Oh, thank you, Your Honor. I will tell the whole truth, nothing but the truth. So God help me. ये कोई बहरूपिया है Your Honor? इसकी बातों का यकीन मत कीजिए। इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस का खून 25 साल पहले हो चुका है। अब तुम्हारी उम्र क्या है बेटे जनार्दन? चुप, बदतमीजी मत करो। ऑर्डर ऑर्डर। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि आप जॉन एमेंडिस हैं? योर ऑनर, ये लड़का यहां तक तो ठीक कह रहा है कि गज्जू सेठ नामी एक गुंडे ने मुझे 25 साल पहले कत्ल करने की कोशिश की और दरअसल मुझे मुर्दा समझकर पानी में फेंक दिया था, लेकिन कुछ मच्छरों ने मुझे बचा लिया। ये रहा मेरा पासपोर्ट। योर ऑनर, यह पासपोर्ट भी इसकी तरह नकली हो सकता है। मैं कोर्ट से दरखास्त करता हूं कि इस नकली जॉन एमेंडिस के फिंगरप्रिंट्स असली जॉन एमेंडिस के फिंगरप्रिंट से मिला के देखे जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। इनके फिंगरप्रिंट्स जॉन एमेंडिस के फिंगरप्रिंट से मिला के देखे जाए। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस रिकॉर्ड में रखे हुए जॉन एमेंडिस के फिंगरप्रिंट्स इनके फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मिलते हैं, इसलिए यह साबित हो गया कि यही असली जॉन एमेंडिस हैं। गोपाल दास के कत्ल का फैसला, जिसके मुलजिम जनार्दन हैं, 20 जून को सुनाया जाएगा।
थैंक यू गज्जल सेठ। इच्छियाला अपन सोचता था इस दुनिया में सिर्फ अपन ही जेंटलमैन है, पर तुम भी कुछ कम बंटवाला नहीं। मजूर के माथे का पसीना सूखने से पहले ही उसका मजर दे डाला। तुमने क्या समझा है अपने सेठ साहब को? काम हो गए ना, अब जॉनी बन जाओ, उतार दो इस जाने मिंडेस को। हाँ उतार दो। इच्छियाला क्यों गजल सेठ, कैसा लगता है अपुन? लेकिन जॉनी एक बात समझ में नहीं आया, तुम हुलिया बदल सकता है, अपनी बोलचाल बदल सकता है, मगर ये अंगूठे का निशान कैसे बदला? ये भेजे में घुसा ही नहीं अपने। लो ये कौन सी बड़ी बात है गज्जन सेठ, जॉन एमेंडिस के अंगूठे का असली निशान तुकाराम मार के लाया, नकली निशान जानी बना के लाया। इधर देखो। शाबाश। अरे हम कभी सोचा भी नहीं ऐसा हो सकता है। तुम जारी को क्या समझाए सेठ? तुम बोलो तो तुकाराम को मार के इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा के तुम्हें अंदर करवा दूं? डरो मत, डरो मत, तुमको फटाफट बाहर भी निकल आएगा अपुन। अरे छोड़ो इन बातों को, कोर्ट में बोल बोल के अपुन का तो गला सूख गया। थोड़ा दारू बारू और इसका इंतजाम है क्या? क्या बड़ा आदमी बड़ा सेठ, टी पैंटो कोट, क्या क्या? हाँ मतलब गीला। हाँ शाबाश। ये तो एकदम जन्नत के माफिक दिखता है। चियाला क्यों सेठ, आपका वो काम भी इधर ही चलता है क्या? वो हाँ वो। शाबाश, इधर ही चलता है वो, देखो। कज़ल सेठ कितनी सारी फुलझड़ियाँ, सब तुम्हारे लिए, अपुन के लिए। ओ थैंक यू। क्यूरी बुलबुल, क्या नाम है तेरा? लीला। लीला, ओ तेरा मेरी बटे लिल्ली लिल्ली। आ पहलवान। हाय तू कौन है री? लैला। लैला, ओ नहीं, गिलास से पीना अपुन को नहीं जमता, बाटली से। शाबाश। इच्छियाला गजल सेठ, नहीं दारू विलायती दारू बहुत कड़क होती है, पहली दार की माफिक साला मजा आ गया। अरे दारू क्या है, सेठ ने दूसरा बंदोबस्त भी स्पेशल किया है तुम्हारे लिए। इनसे भी स्पेशल क्या? हाँ फिर शाबाश। शाबाश। साल के लौंडे शहर के पागल हो गए, अरे लौंडिया 17 साल के लौंडे शहर के पागल हो गए। लौंडिया 17 साल के लौंडे शहर के पागल हो गए। साल की क्या नाम है तेरा नखरवाली, क्या नाम है तेरा नखरवाली, क्या नाम है तेरा मुझसे नवाली।
देती है साली आशिक को गाली। क्या तेरा प्यार तेरे जैसे हजारों, मैं हूँ लाखों में एक, तू गंवार गोंडिया लंडिया। सत्रह साल के लंडे शहर के पागल हो गए लंडिया, सत्रह साल के। प्यासा हूँ मैं मेरी प्यास बुझा दे, हाँ प्यासा हूँ मैं मेरी प्यास बुझा दे। क्या जवाब तेरी नीयत खराब, मैं हूँ लाखों में एक, तू गंवार गोंडिया लंडिया। सत्रह साल के लंडे शहर के पागल हो गए लंडिया, सत्रह साल के। तू है गुलाबी मैं हूँ शराबी, तू है गुलाबी मैं हूँ शराबी। कोई अमल के लाले की चाबी, कोई अमल के लाले की चाबी। मेरे पीने में आखिर क्या खराबी। मेरा शबाब नहीं कोई शराब, मैं हूँ लाखों में एक, तू गंवार गोंडिया साल के लंडे शहर के पागल हो गए अरे रे 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 लंडिया सत्रह साल के। इच्छियाला अरे क्या करता यार गजल से शाबाश आ जाओ से जी तेरो इधर नहीं उधर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? पुलिस से भागने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी डैडी, अगर मैं पुलिस के हाथों से बचना निकलता तो मैं इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस के खून का बदला कैसे लेता? मगर इंस्पेक्टर जॉन एमेंडिस के खून का बदला तुम क्यों लेना चाहते हो? जॉन एमेंडिस मेरे पिता थे डैडी। आंखें ना चुराइए डैडी, मुझे मेरा असली डैडी इससे ज्यादा प्यार नहीं दे सकते थे जो आपने दिया। फिर भी कर्तव्य कर्तव्य होता है। पर तुम्हें पता कैसे चला? जब मुझे पता चला कि आप हर महीने फातिमा बी को 500 रुपया भेजते हैं तो मैं सोच में पड़ गया, ये फातिमा कौन हो सकती है? तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे पिताजी की डायरी दी जो गज्जू सेठ की बातों से भरी हुई थी। वहीं मुझे ये भी पता चला कि मेरा एक जुड़वा भाई भी है। उस वक्त वो वहां नहीं था इसलिए मैं उसकी तस्वीर को ही प्यार करके चला आया। लेकिन ये पुनर्जन्म और जॉन एमेंडिस की आत्मा तुम्हारे, ये सब नाटक था डैडी। और ये नाटक मैंने इसलिए किया कि गज्जू सेठ बाहर निकले और मुझ पर हमला करे। मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया, अब मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील माई सन, लेकिन बेटे उन गुंडों से टकराना बहुत ही खतरनाक है। मैंने उसकी भी एक तरकीब सोच ली है डैडी, अब गज्जू सेठ मेरे हाथों से बच नहीं सकते। हेलो क्या मैं मिस्टर जॉन एमेंडिस से बात कर सकती हूँ? जॉन एमेंडिस? तुमको कौन बोला कि जॉन एमेंडिस इधर रहता है? बस ऐसे ही पता चल गया। तुम कौन बोलता है? मैं मिस मधु बोल रही हूँ, और प्लीज उन्हें जल्दी बुलाइए, मेरी जान खतरे में है। बुलाता है, अभी बुलाता है। जानी कबाब में हड्डी, मिडल मिडल डिस्टर्ब, बुड्ढा कहीं का।
अभी आता हूँ। मोटी क्या बात है गजल सेठ? वो हरामी जनार्दन की छोकरी बोल रही है। हाँ। थोड़ा होशियारी से बात करना, वो तेरे जो जाल में फंसाने के चक्कर में है उसमें उसको फंसा लेना। शाबाश। आप उसे बराबर कर देगा। हेलो जॉन एमेंडिस हियर। मिस्टर जॉन, उस बेरुपिया जनार्दन को झूठा साबित करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना उसकी मोहब्बत के चक्कर में पड़कर मारी गई होती। थैंक यू सो मच। ठीक है। मुझे यकीन हो गया है कि गोपाल का खून जनार्दन ने ही किया है। उसने आपको भी मारने का भी प्लान बनाया है। उसी के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आप मुझसे अमर बिल्डिंग अंधेरी में 4:30 बजे मिलिए। कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। क्या बोलती है? आप उनको 4:30 बजे अमर बिल्डिंग अंधेरे में बुला लिए। काय को? बोलती है जनार्दन आप उनको मर्डर करने का प्लान बनायाला है। झूठ बोलती है साली। जनार्दन तो जेल में है। इच्छी आयला जानी। हाँ? ये हरामी का क्या प्लान है तू जरा मालूम करने को उसको मिल। उसको फंसा के इधर लेकर आ, फिर मैं साली का शबाज बना डालता हूँ। गजल से छोकरी लोगों को फंसाना तो आप उन पैदा होते हैं सीख लिया था। शबाश। ये गया वो आया। हेलो। यू आर ब्यूटीफुल बेबी, यू आर ब्यूटीफुल। आइए आइए अंदर आइए। थैंक यू। ऐसे क्या देखती है? ये क्या बदतमीजी है? रोमांस करने के टाइम पर दरवाजा तो बंद ही होना चाहिए ना। यू काउंटर। गज्जन सेठ बरोबर बोला, तू बड़ी मर्दबार है। ए बेरोपिया, मैं जानती हूँ कि तू जॉन नहीं है, तू गजानन का आदमी है। अच्छा, आप उनके बारे में जो ज्यादा जान लेता है आप उसकी जान ले लेता। रुक जा। वेलकम मिस्टर जॉन एमेंडिस। तुम? यस, मुझे देखकर हैरान हो गए ना। लेकिन अगर तुम मर के जिंदा हो सकते हो तो मैं हवाला से बाहर क्यों नहीं निकल सकता? हवाला से भाग आए हो क्या? छी। सरकार ने कहा मिस्टर जनार्दन हमें नकली जॉन एमेंडिस के लिए हवालात की कोठरी चाहिए, तो मैंने फौरन अपनी कोठरी खाली कर दी। भागने की कोशिश मत करना। अब बताओ तुम कौन हो? जॉन एमेंडिस। यस। Thank you.
जानी तुम? अरे श्याणे, मेरा नाम भी जानता है? नाम ही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम मेरा जुड़वा भाई हो। क्यों रे भाड़ू, रिश्ता जोड़ता है हा? तुझे बराबर करता हूं। नहीं जानी, नहीं, मुझसे मत लड़ो। तुम फातिमा भी से पूछ लो। साला अपन को फंसाना मांगता है, आज अपन तेरे को खलासित कर डालेगा। मेरा शक ठीक ही निकला, इसको यहां नहीं रखना चाहिए, इसे अपने फॉर्म के बंगले में छुपा देते हैं। हाँ लगा। बदमाश बदमाश बदमाश। अब अपुन बिल्कुल तुम्हारे माफिक लगता है ना जानी? थू! तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं गजानन सेठ से मिल जहन्नुम में जाऊं। हाँ उसका घर जहन्नुम में तो है ही जानी, पर मैं लौट कर आऊंगा। इस बीच में तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी, मतलब दारू गिरू मुर्गी गिरगी सबका बंदोबस्त है। चलो मैं। छोड़ेगा नहीं अपुन तेरे को, साला अपुन पे चक्कर चला गया। इच्छियाला ए आई जनार्दन। जनार्दन नहीं जानी को। चल 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 इच्छियाला। शाबाश। अरे जानी तेरा जवाब नहीं है दोस्त, दिमो। ये छोकरी अपनी खास मेहमान है, अंदर ले जाकर इसकी खास दावत करो। गजनन के बच्चे देख लूंगी तुझको। चल चल बढ़िया है देखने वाली साली। करेक्ट, आज से तो मेरा सीधा हाथ, गोपाल का सारा काम तुम संभालोगे। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और तुम्हारी तरक्की की खुशी में एक जश्न मनाते चलो। जश्न मनाते चलो। जानी मर रहा है, बांग के चला गया साला। कोई नहीं आती तो एक देता और थोपड़ा फिरा देता। ऐसे 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 ऐसे। सर है? आपको फोन है। तुम लगे रहो, मैं भी आता हूँ। हेलो सेठ, सेठ आप जानी बोलता है। जानी क्या फेंकता बे, जानी तो मेरे पास है। हाँ नहीं नहीं, वो नकली जानी है, अपन असली है। वो जनार्दन अपन को इधर बांध कर अपन के कपड़े पहनकर तुम्हारे पास आ गया है। अभी तुम बोलता किधर से? मालूम नहीं सेठ, इस चेहरा भूत बंगला माफिक दिखता है। अपन को इसे निकालोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम घबराओ मत, हम देखता है। इसका फोन था सेठ, कोई छोकरी का नहीं, एक दोस्त का फोन था। पियो पियो। चीयर्स। अब पता चला दोस्त के तुम कितने होशियार आदमी हो। चलो अभी तुम्हारा काम शुरू करते हैं। ए सुनो, उस छोकरी को वहां ले चलो। वहां वो छोकरी उधर कहीं को सेठ तुम्हारे लिए वो शराब के साथ जरा कबाब चाहिए ना।
समुद्र में अपन को किधर ले जाता है सेठ? यही अपनी असली दुनिया है। स्मगलिंग? गजल सेठ, ये शिप अपना है ना? अरे ये क्या, ऐसे 10 शिप और भी है मेरे पास। रियली? जय हो जय हो जय हो, तुम तो बहुत पहुंचे हो आदमी। ये तुम नहीं कहते, अखी दुनिया कहती है। चलो चलो। वाह 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 वाह, ये तो 5-स्टार होटल माफिक है सेठ। अरे तुम आओ तो सही, देखो क्या क्या दिखाता हूँ। अरे ये क्या सेठ, ये छोकरी को कहीं को बांध लेना है? छोड़ दो बेचारी को, छोड़ दो। क्यों, इसका बंदा रहना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मिस्टर जनार्दन? जनार्दन कहाँ है वो? नाटक नहीं, नाटक नहीं। मैंने पैदा होते ही नाटक में काम करना शुरू कर दिया था साले। तू जानी नहीं जनार्दन है और मैं गजानन नहीं गज्जू सेठ हूँ, समझा? करेक्ट। तो उसे यही कबूलवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अबे, तेरा बाप मेरे सामने नहीं टिक सका तो तू किस खेत की ककड़ी है? ले जा बंदर को। हाय अल्लाह, कमीने, नालायक, मर क्यों नहीं गया? तुम यहाँ क्यों आए पुप्पी? क्यों बे, तू यहाँ क्यों आया? कमबख्त, पैसों के लालच में तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। देखो पुप्पी, आप उनके मामले में दखल मत देना। चुप रह, दखल के बच्चे अपने सगे भाई जनार्दन के खिलाफ अदालत में झूठी गवाही देते और तेरी जबान क्यों नहीं कट गई? क्यों नहीं कट गई तेरी जबान? क्या बोला, जनार्दन आप उनका सगा भाई है? हाँ, तेरा जुड़वा भाई है। जानी तुम वारे श्याणे, मेरा नाम भी जानता है? नाम ही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम मेरा जुड़वा भाई हो। सिर्फ इतना ही नहीं बेटे, जिस जॉन मेंडिस का भेस तुमने बनाया था वो तुम्हारे पिता थे। पुपी, ये सेठ बरोबर बोला? हाँ, एकदम सच बोले। अरे इसी गजानन ने तेरे बाप को मारकर समुन्द्र में फेंक दिया था और तेरे बड़े भाई पर गोपाल की हत्या का झूठा इल्जाम लगाया था और अब तुझे वो कुत्ते की तरह पाल रहा है, समझा? गजानन के बच्चे, इतने दिनों तक अपन कुत्ते की तरह तेरे आगे धूमिलाता रहा, अब तेरे कुछ जाने का असली रूप दिखाएगा। तेरे दिन भर गए ले हैं अब। जाने का है? तेरी मौत की तैयारी कर रहा है। नहीं बताएगा? तेरी लैला से पूछता हूं। बोलो फुलझड़ी, जानी कहाँ है? बोल। नो, नो। गजन सेठ, ये काम तुम मत करो, ये काम जानी करेगा। अरे पर जानी, तुम बच क्या गया? आप बरोबर आ गया इच्छी आयला। शाबाश। ये साला अपन से 420 करके अपन को भूत बनाने बांध दिया था, अपन अब इसकी खटिया खड़ी कर देगा। क्यों रे हराम खोर, काफन चोर, क्यों वे साले, बड़ी होशियारी बताता है क्या? अपन अभी तेरी हड्डियों का सुरमा बना के तेरी आंख में डाल देगा। देखता क्या रे? हाँ जानी, कहते हैं सांप को और दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा भी एक ही दुश्मन बचा है, ये जॉन मेंडिस का बेटा, गोली मार दे इसको। गजल सेठ, तुम बोलता है जॉन मेंडिस का एक बेटा है? एक और बेटा भी है। और भी है? कौन है वो? जॉनी द ग्रेट। तेरी मौत। क्या? ए कंजरो, कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। छोड़ दो दोनों को। बोल। छोड़ दूंगा। जोर से बोल। छोड़ दूंगा। शाबाश। सब ऐसे डाल। कमल हरियाप, चालो। भैया, उस दिन अपन को मालूम नहीं था कि तुम अपन का भाई है।
इसलिए भूल चुक पे तुम्हारी बेइज्जती कर दी। आप उनको माफ कर दो भैया। तुम इस गज्जू सेठ से बदला लेना चाहते हो ना? हम अभी इसको खलाश कर डालेगा। मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, छोड़। जानी ने जान देकर
अपन दोनों के बाप की मौत का, उसकी इज्जत का, उसके वर्दी का बदला ले लिया। तुम खुश हो ना भाई? जोर से एक बार गले लगा लो भाई, जानी मौत को गले लगाने जा रहा है। चंद ला इलाहा इल्लल्ला। इंसाफ और कानून की रक्षा करने में इंस्पेक्टर जॉन ए. मेंडिस ने अपनी जान गंवाई, लेकिन जो काम बाप पूरा नहीं कर सका वो उन बदमाशों को मारकर उनके बेटे जानी ने पूरा किया। जानी मरा नहीं, अमर हो गया। आज आप लोगों ने एक खास बात पर गौर नहीं किया। कौन सी बात? मधुरी दी ने साड़ी पहनी है। साड़ी में क्या सुंदर लग रही है, है ना?